बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडिंग ब्लॉगिंग। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये इलेक्ट्रिकल मधानी, और इससे हम जो है आज अपनी मलाई को बीट करेंगे और इंशाल्लाह इसमें से निकालेंगे हम मक्खन। तो ये जो मलाई है ये तकरीबन 15 दिनों की मलाई है, और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ पानी। पानी जो है मैंने बिल्कुल ताज़ा लिया है, और तकरीबन एक जग मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और आप देख सकते हैं ये मिट्टी की हंडी है। और अब इसमें मैं ये इलेक्ट्रिक बीटर जो है, मधानी जो है, इसको चलाऊंगी और फिर इसमें से इंशाल्लाह मक्खन निकालेंगे। तो अब मैं इसको चला लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो इसकी मशीन जो है ये चल गई है, और इसके अंदर जो है वो अब मक्खन तैयार हो रहा है। इसको मैं 3 से 4 मिनट तक इस तरह से बीट करूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं, इसको मैं स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने के बाद देखते हैं कि मक्खन जो है वो कितना रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभी मक्खन जो है वो बन रहा है। इसको मज़ीद मैं 3 मिनट जो है और वेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है वो मलाई मक्खन जो है वो रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको मक्खन को अलहदा कर लूँगी, और ये मधानी को साफ़ कर लूँगी, और जो इसकी लस्सी है वो अलहदा निकालूँगी। अब मैं इसके अंदर से जो है मलाई मक्खन वो निकाल लूँगी, और निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का और कितना थिक मक्खन जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर निकाल के तो फिर इंशाल्लाह इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर रखूँगी ताकि ये हार्ड हो जाए, और जब ये हार्ड होगा तो फिर हम इसके अंदर से लस्सी निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा लस्सी जो है वो निकाल दी है, और माशाल्लाह ये छोटे छोटे जो है ना मैं अब मक्खन के पेड़े बना लूँगी। अच्छी तरह से इसको प्रेस करूँगी ताकि इसमें से सारी लस्सी जो है वो निकल जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से लस्सी जो है वो बिल्कुल निकल गई है, और सारा निकाल के फिर मैं दिखाती हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार मक्खन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया, और चने मुने प्यारे से बाउल में मैंने निकाल लिया है, और इसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। और आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। आजकल सर्दियों का सीज़न है, ये बाहर भी रह सकते हैं इजीली। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।